आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम आबाद सनी है और वर्बल मैथ्स बाय आबाद सनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपकी जो 8 अगस्त 2017 को एसएससी सीजीएल प्री हुआ था, उसमें थर्ड शिफ्ट जो हुई थी, या फिर हम कहें इवनिंग जो शिफ्ट हुई थी, उसको डिस्कस करने वाले हैं हम। उसके सॉल्यूशन और उसको एनालाइज करने वाले हैं। और ये जो मैं आपको 43 शिफ्ट्स करा रहा हूं, उसका एजेंडा है कि आपको प्री के बारे में, एसएससी प्री के बारे में नॉलेज हो जाए। देखो, क्वेश्चन तो रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन होता क्या है कि हम टाइप वगैरह जो होते हैं, कुछ वो टाइप्स रिपीट हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर टाइप नहीं भी रिपीट होते तो आपको रियल टाइम में कैसे एग्जाम देना है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। और आपको पता होगा कि हम कई सारी चीज़ें ट्रिक सीख तो लेते हैं, लेकिन वो एग्जाम टाइम में, एग्जाम प्रेशर में अप्लाई होगी नहीं होगी, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एग्जाम टाइम में कौन सी चीज स्ट्राइक करती है, वो सब चीजें आप अगर ये सारी 43 शिफ्ट देखते हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा और आपका दिमाग खुल जाएगा। और एसएससी प्री में आपके मैथ्स में फुल मार्क्स आने की, 50 out of 50 आने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपके प्री में ही अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आपको काफी लीड मिल जाती है, क्योंकि 2-3 नंबर की लीड भी टोटल जो आपकी मेरिट बनती है लास्ट में, वो बहुत काम की है। 2-3 नंबर आपको इंस्पेक्टर से टीए तक बना सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। और इससे पहले एक चीज और बता दूं, जो ये हमारा नया चैनल है उस पर सारी ओल्ड वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो भी मैथ्स की थी, ठीक है ना। और जो सीरीज की पूरी सारी थी 9 की 9, वो आपको मिल चुकी है। अब देखिए, विच वन इज द लार्जेस्ट अमंग द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दे रखे हैं 5, 1, 1, 3, 7, 1, 2, 0, 13, 1, 4, 5, 17, 1, 6, 0। देखो, मैं आपको बताऊं, एग्जाम में जो हम पैतरे सोचते हैं वो अप्लाई नहीं होते। रीजन क्या है कि आपको एग्जाम में वही तरीका अपनाना चाहिए जिस पे आपने प्रैक्टिस कर रखी है, या फिर जिसके बारे में आपको सोचना ना पड़े। इफ यू थिंक टू मच अबाउट एनी मेथड, इट मींस यू आर टेकिंग टाइम। और अगर आप टाइम ले रहे हो तो इसका मतलब आपके कंपटीशन में आपका जो मार्क्स है वो कम होते जा रहे हैं। तो आपको जो मेथड पता होता है जिस टाइप के क्वेश्चन में, वही अप्लाई करो। ज़्यादा वहाँ पे आपको चलाकी करने से बेटर है कि आपको नॉन स्टॉप करते चले जाना है। तो मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगा जो सबको पता होता है, कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को चेक करते हैं। देखो, 120 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 120 into 5, देखो ये वर्बल हो जाएगा, आप देख लोगे यहीं से 12, 5 से 60, तो ये लगभग 600 आएगा, और ये 7 से मल्टीप्लाई 700 से प्लस आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कम हो गया, इन दोनों में से ये छोटा हो गया, तो इसको मैंने काट दिया भाई, क्योंकि हमें लार्जेस्ट बताना है। अब मैं इसको चेक कर सकता हूँ फिर से। देखो, अब मैं 145 को 7 से और 120 को 13 से, देखो 120 को 13 से मतलब 12, 12 144, और 12 और 144 में 12 ऐड करोगे तो 156, 10 का 0, और इसको आप करोगे तो ये 700 something, मतलब 700 something, मतलब अगर मान लो इसको आप 15 मान लो, 150 मान लो, और 7, तो ये आपका लगभग 1050 आएगा अप्रॉक्सीमेट। तो ऑब्वियसली बात है, आप वर्बली देख सकते थे कि भाई इसमें भी ये वाला छोटा है, तो अब आपका ये भी कट कर दिया। मतलब मैंने देखा कि 41 ये वाला गलत। अब इन दोनों को, बस आपको इन दोनों को देखना था। अब फिर से देखो, इसको भी आप कैसे कर सकते हो, 13 into 160 चेक करो, 17 into 145 चेक करो। देखो, अगर मैं 13 into 160, मतलब सीधा सीधा ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 13, 6, 78, और ये 2080, और ये देखो, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर करना भी चाहते हो तो 17 into 15 करके देख लो, 0 बाद में लगा देना, तो आपको पता चल जाएगा ये बड़ा है। तो इसका मतलब ये हमारा 17 upon 160। देखो, मैं आपको और भी मेथड से कंपेयर करवा के दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको वही मेथड बताया जो आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा। और हमें पता है कि सीधा सीधा, क्योंकि देखो अगर 50 तरीके की कंपेयरिंग आएगी तो क्या आप 50 मेथड याद करोगे क्या? पॉसिबल नहीं है ना। जो मेथड आपको पता है कि जो हर किसी के कंपैरिजन में लगता है, वो वाला अप्लाई करके रखना है और उसी को प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको प्रैक्टिस पता है तो आप 2 सेकंड में इन दोनों को देख लोगे, फिर इसको देख लोगे, तो आप पता चल जाएगा इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर ही है। ठीक है, मैंने आपको करके दिखाया ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। निमित कैन डू 2/3 ऑफ जॉब इन 18 डेज, कशिश इज ट्वाइस एफिशिएंट एज निमित। देखो, एफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर आप हो और मैं हूं,
ठीक है, आप मुझसे एफिशिएंट हो, तो एफिशिएंट का मतलब है कि एक काम है तो आप जल्दी कर दोगे ना, एफिशिएंट हो, अगर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है मुझसे तो आप जल्दी कर दोगे, या फिर अगर आप जल्दी कर दोगे तो इसका मतलब क्या है कि टाइम आपको कम लगेगा, डे या फिर टाइम आपको कम लगेगा। तो हमेशा याद रखना है कि जो एफिशिएंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के या डे के या फिर इसमें आवर्स कुछ भी, मतलब टाइम के, ठीक है ना। मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी कम होगी, अगर एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज्यादा, या फिर वाइस वर्सा, अगर टाइम कम है तो एफिशिएंसी ज्यादा, कुछ भी, मतलब जैसे अगर एक कम एक दूसरा ज्यादा, जैसे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। अब निमित ने 2/3 किया 18 डेज में, तो वो टोटल 1 यूनिट, मतलब 2/3 का मतलब है कि अगर ये 3 पार्ट हैं तो इसने एक और एक, मतलब 2 पार्ट कर दिया, लेकिन टोटल 1 पार्ट कितने में करेगा, तो आप इसको ऐसे काट दो यहाँ पे 19, 27 में, इसका मतलब निमित निर्मित 27 डेज में कंप्लीट काम कर रहा है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हार्डली क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड लगेंगे। कशिश इज ट्वाइस एफिशिएंट एज निर्मित, अगर कशिश एफिशिएंट है, डबल एफिशिएंट है, मतलब अगर कशिश है वो 2 यूनिट काम करता है और निर्मित है वो 1 करता है, तो टाइम उसको आधा लगेगा, निर्मित को 27 डेज लग रहे हैं तो कशिश को 27/2 लगेगा। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अ मैन टुक अ डिप इन अ पूल, ठीक है, और पूल दे रखी है 30 मीटर लॉन्ग और 25 मीटर ब्रॉड। इफ द एवरेज वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द मैन इन इज 5 मीटर क्यूब, देन व्हाट विल बी द राइज इन द लेवल ऑफ द पूल। देखो एक पूल है, ये मान लो पूल है आपका, इस तरीके से आपका ये पूल है, कुछ और ही बना दिया मैंने, ठीक है, यहां से आपका इस तरीके से पूल है, ये पूल है, यहां से इसने आदमी ने छलांग लगाई, तो जब क्या बोलते हैं, एक इंसान 5 मीटर क्यूब पानी को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब आप अगर जाओ, डिस्प्लेस का मतलब क्या है, अगर आप पानी में कूदोगे तो पानी की जगह आप ले लोगे ना, अगर आप उसमें चले गए तो उस पानी को हटा दोगे आप, लेकिन वो पानी पूल में तो रहेगा ही, तो वो ऊपर उठेगा, तो कितना उठेगा अगर 40 लोग कूदी लगाते हैं, मतलब डिप करते हैं पानी में, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो मेरा ये मेरी 30 मीटर इंटू 25 मीटर, ये डायमेंशन दे रखी है आपको किसकी, पूल की। तो अगर पानी, देखो राइस कैसे निकलता है, सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको तरीका, वैसे आप वॉल्यूम को इक्वेट करके कर सकते हो, आप सिंपल देखो राइस कैसे निकलता है, अगर ये बेस है, मतलब होल इतना है, ठीक है, और अगर आपने 40 मैन और एक इंसान 5 लगा रहा है, देखो एक चीज 40 मैन और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है, तो वो छोड़ो, पहले आप देखो हर चीज मीटर में, ये मीटर क्यूब में है, ये इतना राइस ये मीटर क्यूब में आएगा और ये मीटर में आएगा, तो आप समझ जाओगे ये मीटर से मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर, मतलब आप एक चीज देखो कि यहाँ पे मेरी जो एक वो चीज आएगी, राइज आएगी, ठीक है, तो आपने एक चीज देखी कि सॉरी यहाँ पे मीट मैन 40 मैन है ना, तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे मीटर स्क्वायर, हाँ मीटर बचेगा, तो मीटर मतलब कितनी राइज आएगी, तो 40 × 5/30 × 25, तो आप अगर कैलकुलेट करोगे इसको, तो देखो अगर इसको आप काट दो 5 8 और यहाँ पे 4 और 15, तो 4/15 आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है, तो सेंटीमीटर में, तो ये × 100 कर दूंगा क्योंकि ये आपका मीटर में है, 4 मीटर, 4/15 मीटर, तो इंटू, तो 400/15 कैलकुलेट करके देखो, 15 2 और 30 बचा 10, तो 15 6 90, 26 point something, तो इतना ही करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 26 point something आएगा। ठीक है, इसका फंडा यही है, अगर आप देखो कि जो मेरा वॉल्यूम है ना वो कितना इंक्रीज हो रहा है, वो चीज आपको देखनी है, तो इसका बेस बेस क्या होगा एक्चुअल में, जो पूल की डायमेंशन है, और ऊपर आप जो रखोगे वो क्या रखोगे, जो आपका कितने लोग, मतलब एक तरह से 40 × 5 भी है, वो भी तो एक तरह से वॉल्यूम ही है ना, मतलब कितना पानी आपका हट रहा है, मतलब लेकिन इसकी जो यूनिट रहेगी वो मीटर क्यूब में ही रहेगी, क्योंकि 5 मीटर क्यूब, क्योंकि जो मैन है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, समझ गए मेरी बात। और नीचे क्या है, नीचे आपको जो अगर एक और अगर रहता मेरा तो वो हाइट होती, तो हाइट तो आपको पता ही नहीं, एक्चुअल में आपको राइज ही तो निकालना है, तो राइज तो ऐसे ही निकलेगा, ठीक है,
राइज का मतलब क्या है, कितनी हाइट उसकी बढ़ गई, यही तो चीज पूछ रहा है, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन एंड आर्टिकल देखो, इसको इसके मैं दो मेथड बताऊंगा आपको। पहले इसको पॉज करके ना आप ट्राई कीजिए, होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखिए मेथड वन, मेथड वन पहले क्वेश्चन पढ़ लो। एन आर्टिकल इज लिस्टेड, मतलब एमआरपी दे रखा है 2375, ठीक है, और एक इंसान ने खरीदा, उसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के ऊपर एक, मतलब अगर 100 है, 100 पे मेरे को 50% डिस्काउंट मिला तो वो मतलब 50 रुपए की हो गई, और फिर से 50% और डिस्काउंट मिला तो वो 0 की नहीं होगी, फिर वो 50 पे मिलेगी, तो 50 पे फिर से डिस्काउंट मिलेगा तो 25 की। मतलब आपने एक्चुअल में 50% दो बार दिया, सक्सेसिव दिया, लेकिन 100 रुपीज की चीज पे, तो इसका मतलब ये नहीं आपको 0 में मिलेगी, वो 25 रुपीज मिलेगी, क्योंकि पहला डिस्काउंट दिया 50 का हो गया। अब जो अगला 50% डिस्काउंट होगा वो इस वैल्यू पे होगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो दो ये आपका रफ था, ठीक है, ये आपको दो डिस्काउंट मिले, 50% और 25%, और उसके बाद 165 स्पेंड कर दिए उसने आर्टिकल को रिपेयर करने के लिए। इफ ही सेल्स द आर्टिकल, उसके बाद उसने पैसे खर्च करने के बाद डिस्काउंट सब कुछ, उसने क्या करा, 62.5% पे प्रॉफिट को बेच दिया। देखो तो पहली चीज आपको फ्रैक्शंस पता होनी चाहिए, 62.5% जो होता है मेरा वो क्या होता है। अगर देखो आपको पता है कि 12.5% मेरा 1/8 होता है, ठीक है, और अगर आपसे बोला जाए कि इससे क्या मेरा 62.5% आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। कैसे भाई, ये अब देखो, अगर मैं बोलूं कि 5/8, देखो 12.5 × 5 करोगे तो 62.5 ही तो आएगा, तो 5/8 का मतलब क्या है, 62.5%। अगर मेरे से बोला जाए, ये मैं आपको जस्ट रफ में बता रहा हूँ। अब मेथड वन देख लो, मेथड वन कुछ नहीं है, एमआरपी है 2375, इसको 50% मतलब हाफ में और 25% डिस्काउंट और दे दिया, मतलब 3/4 डिस्काउंट दे दिया। तो आप ये देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये सीधा सीधा आएगा 7125 और यहाँ पे 8। अगर आप इसको काटोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8809.625, ठीक है, ये मेरा प्राइस उसको पड़ा। अब इस पे उसने 165 है ना, 165 खर्च कर दिए, तो 165 इसने खर्च कर दिए। अब ये जो निकल कर आया प्राइस 1055625, ये मेरा निकल कर आया। इस पे उसने क्या किया, इस मतलब ये उसके लिए सीपी था, अब उस पे उसने प्रॉफिट बेचा, कितने प्रॉफिट में बेचा, 62.5%। तो एक्चुअल में अगर 62.5% प्रॉफिट में बेचा, तो या तो मेरे पास तरीका है कि मैं इसका 5/8 निकालूं और इसमें प्लस कर दूं, या फिर मैं सीधा क्या कर सकता हूं, 5/8 निकाल के, अगर मुझे मतलब इसका 5/8 निकाल के और प्लस ही करना है, एक तो तरीका ये है, या फिर मैं सीधा क्या कर सकता हूँ कि भाई 5 और ये आपका 8 और 5 और 8, मतलब सीधा 13/8 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मैं इसको अगर 13/1055.625 को 13/8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा कितना आएगा, ये मेरा SP आएगा। तो आप जैसे ही इसको करोगे, पहले 13 से इससे करोगे और ये सॉल्व कर लेना आप, 17.1539 आ जाएगा। तो ये तो था आपका मेथड वन, जिसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मस्त चाहिए थी और रिक्वायर्ड चाहिए थी कि भैया आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, वरना आपका 1 से 1.5 मिनट जाएगा। दूसरा मेथड क्या कह रहा है, आपको ये समझना है। देखो मैं आपको बता दूं दूसरा मेथड क्या कह रहा है। देखो एमपी दे रखा था 2375, मैं लिख देता हूँ एमपी, और डिस्काउंट दे रखा था, पहले दिया 50% का डिस्काउंट और फिर उसके ऊपर ही दिया एक और डिस्काउंट जो दिया, तो वो दिया 25% का, और उसके बाद 165 रुपीज खर्च कर दिए और उसको 62.5% प्रॉफिट पे बेच दिए। तो मैंने क्वेश्चन लिखा, अब देखो अगर मुझे ये पता है, और मैंने क्या करा, मैंने ऑप्शंस देखे यार ये तो दूर दूर है, और मैं अगर देखो ये दोनों पास हैं और ये तो सेम ही ऑप्शन दे दिए थे इन्होंने, बिल्कुल कॉपी कर रखा है मैंने वहां से, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने अपने आप से लिखे हैं, जो सोर्स है ना वहीं से कॉपी करा है, तो ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो आप एक तरह से देखो ऑप्शन बराबर भी हैं, लेकिन अगर मैं एक बार देखूं कि अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से करता तो मैं इसको 2400 मान लेता, और मेरे को पता है 1/2 × 3/4, और ये आपका इस तरीके से मेरे को पड़ जाता कि लगभग ये 900। अब ये 900 पे 165 खर्च ऐड करता तो 1065,
और इसको 13/8 से मल्टीप्लाई कर देता तो आपको पता चल जाता लगभग 1730, क्योंकि अगर आप इससे काटोगे तो अप्रोक्सीमेट से काटो फिर से वन ज़ा और थ्री और थ्री, बस इतना रहन दो 13 3 ज़ा करके, कि आप इसको भी ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही 133 × 13 ही करोगे, अप्रोक्सीमेट से आपको पता चल जाएगा 1700 समथिंग आ रहा है आंसर। तो आपको पता है ऑप्शन देखो, अब आप जैसे ही आपने ऑप्शंस देखे देखा कि 1750 लगभग ये है, तो यही आंसर। तो ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। बाकी अप्रोक्सीमेशन और अगर आपकी कैलकुलेशन दोनों ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेशन आपका टाइम बचा देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कई बार। अगर मान लो कि मेरा आंसर अप्रोक्सीमेशन से इसी क्वेश्चन में, देखो सच सच का सामना कर लो, अगर अप्रोक्सीमेशन से मेरा आंसर लगभग 1450 आता तो मैं फंस जाता इन तीनों के पास है, तो अप्रोक्सीमेशन का मेरा काम नहीं करता। तो इसलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिए दोनों मेथड, अब आपको अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है, अब इसको पॉज करो, ट्राई करो, सिंपल है वैसे तो, कर लोगे। देखो, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 19:11:13। लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो 19:11:13, इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर लेंथ 19 ले ली मैंने, ब्रेथ 11 और हाइट मेरी 13 आएगी। अगर 19 की जगह मैं कुछ और इसका मल्टीपल ले लेता हूँ, डबल डबल ले लेता हूँ, तो ये इस तरीके से आएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो मेंटेन रहेगा। अब देखो, इफ द हाइट इफ द लेंथ इज 30 सेंटीमीटर मोर देन हाइट, देखो एक्चुअल में कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है 19 से 13 में, 6 यूनिट का, लेकिन इसने कितना बोला 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5। अब आपने 1 यूनिट की वैल्यू लिख दी 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम क्या है, तो एक्चुअल में आपको वॉल्यूम पता, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मतलब 19 × 5, क्योंकि 1 की वैल्यू 5 है, × 11 × 5 × 13 × 5, ऐसे करोगे तो एक तरह से 5 5 और 5, तो इसी को मैं 19 × 11 × 11 लिखना था, सॉरी 19 × 11 × 13 × 1 to 5 ऐसे करना था। आप देखो ऑप्शंस देखो, बहुत दूर दूर है सारे ऑप्शंस, बहुत दूर दूर है, तो आप सीधा सीधा इसको लमसम वैल्यू निकाल लो, मतलब अप्रोक्सीमेशन ये 20 ले लो और ये 10 ले लो, और ये भी आप क्या कर सकते हो, ये आपका 10 आ गया, और ये भी आप 10 ले लो, और ये आप एक तरह से 1 to 5 ही रहने दो। ठीक है, तो आप इसको लमसम वैल्यू निकालोगे तो ये तो 1 2 ये 3 0 3 0 तो यहीं आ गए। ठीक है, और 2 1 2 5 × 2 अगर आप करोगे तो 2 5, मतलब इससे ज़्यादा आएगा। ठीक है, और 1 0 और, तो लगभग मेरा इससे तो ज़्यादा ही आएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते फोर्थ, मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहते, तो आप इसमें देखो कोई भी 0 आ रहा है, देखो लास्ट में 0 तब आता है जब मेरा 5 और 2 का मल्टीपल होता है, तो कोई भी 2 है इसके अंदर, इस 19 × 11 × 13 × 125 में, तो 2 तो है ही नहीं, तो लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ना फर्स्ट होगा ना थर्ड होगा, समझ गए। और सेकंड वाला देखो, इतनी कम तो वैल्यू आएगी ही नहीं, तो इस तरीके से भी कर सकते थे आप। तो पूरा कैलकुलेट नहीं करना, ये वैसे प्योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें लॉजिक तो सिंपल ही था, क्रिएटिव मेथड वो और कोई लगा देगा, जो कैलकुलेशन से आपका टाइम वेस्ट करवाना चाह रहे थे वो। ठीक है, अब देखो 6th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन द एवरेज ऑफ द एवरेज एज ऑफ द टीम हैविंग 12 प्लेयर, 12 पीपल है, उनकी एवरेज 23 है, एवरेज है ये। इफ द एज ऑफ द कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब एक कोच और है, एक बंदा और है, उसकी भी एज इंक्लूड कर दी, तो जो एवरेज है ना वो बढ़ के, मतलब कितनी से बढ़ेगी, 2 से बढ़ेगी। वट इज द एज ऑफ द कोच, देखो अब 12 लोगों की 23 थी, ठीक है, अगर कोच के भी 23 होती ना, मतलब जो एड होने वाला भी 23 का ही होता मान लो, तो हमारा एवरेज कुछ बढ़ता नहीं, बढ़ता सेम टू सेम रहता, क्योंकि पहले 12 की 23, अगला जो आया 13वां उसकी भी 23, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने बोला जब वो आया तो वो दो दो का डेविएशन लेकर आया, मतलब 2 बढ़ा दिया उसने, किस पे, 12 तो इस पे और अपने आप पे भी, मतलब सबकी एवरेज 2 से बढ़ेगी ना, पहले 12 लोग थे अब 13, तो 13 के 13 की एवरेज 2 से बढ़ेगी, तो 13 यहाँ पे 26 आ गया, और 23 तो था ही, तो यहाँ पे 49 आ गया आंसर। ठीक है, ये मैथड्स होते हैं,
बाकी आप एक्स वाई जेड से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देखो एक चीज फिर से मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको जो मेथड स्ट्राइक करता है अगर वही करो, और अगर आपने किसी मेथड पे प्रैक्टिस कर रखी है ढंग से तो वही मेथड आपके लिए जानदार है यार। कोई कुछ भी बता के जा रहा है, अगर आपने एक मेथड पे प्रैक्टिस कर रखी है तो उतने ही टाइम में आप कर लोगे और उतने ही टाइम में मैं स्मार्ट मेथड कर लूंगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अरे इससे तो और जी। लेकिन हाँ कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको बहुत स्मार्ट मेथड्स की जरूरत होती है, वो मैं बता ही दूंगा और बताता ही आ रहा हूँ तब से, आपको पता ही है मैंने आपको कौन से चैप्टर करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइटम इज सोल्ड एट टू सक्सेसिव गेन, दो सक्सेसिव गेन, समझ गए ना, सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक, समझ गए, एक के ऊपर एक, मतलब 100 है और इस पे अगर आपने 10% का गेन दिया तो 110, और दोबारा से 10% तो ये 120 नहीं होगा, इसके ऊपर 10% और तो 121 हो गए, मतलब 10% ऑफ 110 आएगा। तो ये रफ था, अभी कहना क्या चाह रहे हैं, सक्सेसिव 30 और 20 का है और फाइनल सेलिंग प्राइस इतने की है तो सीपी कितना होगा, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ अब देखो मैं आपको करा देता हूं, 30% और 20% और एसपी, मतलब क्या है कि अगर मैं 30% प्लस 20% और 30 × 20/100 कर लूं तो मेरे को सक्सेसिव इफेक्ट मिल जाता है दो का, तो आपने देखा ये कितना है 56%, 30 और ये 6%, 56% का इफेक्ट आएगा, आप सेलिंग प्राइस है तो यार एक तरह से ये आपको वैल्यू कितने की दे रखी है, 156% की दे रखी है, मतलब 100% आप अपने आप में सीपी होता है और इफेक्ट आपको जो गेन का था वो 56% का था, तो आपने कितने में बेचा, 156%, लेकिन 156% नहीं दे रखा आपको, दे रखा है 131200, तो इससे वो 100% पूछना चाह रहा है। तो आप देखो एक तरह से अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही आएगा और 20 एक्स्ट्रा है तो 20 एज इट इज, और यहाँ पे मेरे को 100 करना है 100%, तो 20 एज इट इज थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 200, तो ये मेरा यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है, कुछ भी नहीं था, यूनिटरी मेथड था, लेकिन ये सक्सेसिव वाला इफेक्ट का याद होना चाहिए आपको, बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं सक्सेसिव, कोई दूसरे तरीके से भी करता है, अलग अलग तरीके सक्सेसिव, मैं वर्बली इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें देखो 30 और 20 50 और 3 2 6 और 2 0 से कट जाएंगे, मैं सीधा सीधा पता चल जाएगा 56% है और 156 की वैल्यू दे रखी है, तो मुझे इतना भी दिखता है कि 156 को अगर मैं डबल करूंगा तो इतना, तो सीधा मुझे पता है कि डबल वाला आंसर है, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, The number of trees in a town is 17640. कितने टाउन में कितने पेड़ हैं, 17640, और number of trees इंक्रीज कर रहे हैं annually 5%, मतलब एक साल में 5% से बढ़ रहे हैं, तो आप एक बार बताओ अगर 100 थे उसके बाद 105 हो जाएंगे, उसके बाद 110 होंगे, या 5% बढ़ेगा यार, इसी पे तो बढ़ेगा एनुअली, मतलब एनुअली का मतलब है कि पहले इस पे बढ़ा फिर इस पे बढ़ा, तो 5% 110 नहीं होगा, 5% इस पे बढ़ेगा, तो वही आपको पता है कि 10% ऐसे होता है, और इसका मतलब मैं इसमें इसको हाफ कर देता हूँ तो 5.25 और ऐड कर दूंगा, तो आपको पता है कि एक तरह से 110.25 आएगा, ठीक है ना, वो देख लेना आप, तो ये आपका परसेंटेज मैं समझा रहा था एनुअली, अब यही कह रहा है कि भैया 5% से बढ़ रहा है, और तो इसका मतलब 2 साल पहले कितने थे, अभी का है, तो आप एक चीज देखो, पहले अपने आप में 100% थे, 5% दो बार बढ़ा, मतलब 5 का इफेक्ट, 5×5/100, तो आपको पता है 5 और 5 10 और ये 25 और 20 तो 10.25, तो 100% और 10.25, तो एक्चुअल में 110.25% की वैल्यू आपको दे रखी है, क्योंकि इतना बढ़ जाएगा 2 साल में, और कितनी दे रखी है आपको 17640, आपको इतनी वैल्यू दे रखी है, तो 100% की कैसे आएगी, आप एक चीज देखो, अब यहां पे देखो इस चीज, इन सबको देखो 14, 15, 16, 19 इस तरीके से देखो, अगर मैं इसको 14 से कर देता हूं लगभग, तो ये इतना कम तो आएगा नहीं, मतलब मेरा तो वैल्यू मतलब इससे काफी कम आएगी, अगर मैं 14 वाले से मैं 3 0 हटा दो, क्योंकि 1 0 तो ये ले लेगा और 2 0 इसके बचे हुए पॉइंट हटाएंगे, तो एक तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1025 को अगर 14 से करोगे तो लगभग आपका 11 इसको करोगे, तो मतलब ये मान लो अगर ये 11 ही है, ठीक है, और ये 3 0 को बाद में टेक कर रहा हूँ 14, तो मतलब मेरा 4 5 1 तो इतना आएगा, लेकिन इतना नहीं, आपको तो ज्यादा चाहिए, तो अब 5 वाला मैं ले नहीं सकता लास्ट में 1 5, क्योंकि 5 को 5 से करूंगा तो लास्ट में कितना आएगा,
फाइव आएगा, 25 मतलब 5 को 5 से करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगी, लेकिन मुझे चाहिए नहीं, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए लास्ट में 0 आ जाए। तो 16 को 5 से करोगे तो 80, मतलब 6 को 5 से करोगे तो 30, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो मतलब मेरा आंसर क्या है, 16000। ये कैलकुलेशन की ट्रिक्स होती हैं, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। और कैलकुलेशन के लिए मैंने अभी तक आपको एक ही वीडियो दी है डिवीजन वाली वैदिक मैथ्स की, वो आप देख सकते हो जाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चैनल पे है वो, ठीक है, इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन, अमन एंड कपिल, दो लोग हैं अमन और कपिल, स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड ग्वालियर। अगर यहां दिल्ली है यहां ग्वालियर है रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम। तो अमन यहां से चला एक ही टाइम पे, अमन यहां से चला और आपका ग्वालियर से, ये ग्वालियर लिख ही दिया था मैंने, से कौन चला, कपिल, कपिल चला, ठीक है, इस साइड। अब देखो टूवर्ड्स ईच अदर रिस्पेक्टिवली दे मीट एट मथुरा, मान लो कहीं पे मिले, मथुरा मिल गए, मथुरा में दोनों यहां पे मिल गए। अब उसके बाद क्या हुआ, देन टेक 196 मिनट, उसके बाद 196 मिनट और 225 मिनट लगे, 196 मिनट इसको लगे अमन को कहां पहुंचने में, अपनी अमन तो यहां था ग्वालियर पहुंचने में, और 225 मिनट किसको लगे कपिल को कहां पहुंचने में, दिल्ली पहुंचने में। तो एक बात बताओ, अगर कहीं पे मिले और ग्वालियर मतलब कहीं पे मिले दोनों, अब एक टाइम पे तो यहां पर मतलब एक दोनों एक ही जगह पे है ना एक टाइम पे। अब अगर मेरे को इतना पता चल गया कि इसको कपिल को ज्यादा टाइम लग रहा है इस एक पॉइंट पे, जब वो मिले कपिल को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मेरी जो स्पीड आएगी कपिल की वो अमन से कम आएगी, मतलब 30 से कम मेरा आंसर आएगा, ठीक है। इतना तो मैंने एक सेकंड में देख लिया। अब मुझे पता है इफेक्ट क्या होता है, मैं जब इस तरीके से करता हूं तो मेरा जो टाइम का तो रूट लेना पड़ता है, तो टाइम का रूट अगर मैं लूंगा 196 का रूट लूंगा तो कितना आएगा 14, और अगर मैं 225 का रूट लूंगा तो मेरा आएगा 15। तो आपको इतना भी पता चल गया 14 और 15। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा क्या मैं इसको 14/15 से मल्टीप्लाई करूं या 15/14 से। तो इसका आंसर मैंने आपको अभी बता दिया, क्या कि जो कपिल की स्पीड आएगी ना वो अमन से कितनी आएगी, कम आएगी। तो मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर को ज्यादा रखना है, तो मेरा 15 और 14 आएगा, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा रखना है, तो सीधा आप काटो 28। इसलिए इसको मैं वर्बली कर लेता हूं और आप लोग भी अब वर्बली कर सकते हो कि जैसे ही आपने इफेक्ट देखा और 30 × 14/15 कर दिया, मतलब इनका रूट लेते ही आपको ये पता चल जाए। पहले आपको सिर्फ इतना, आपको इतना आइडिया होना चाहिए, 28 आंसर है, ठीक है, इतना आंसर, इतना आइडिया होना चाहिए कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मिलने के बाद एक बंदा ज्यादा टाइम ले रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड कम है ना दूसरे वाले से। आगे चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको इसकी लैंग्वेज मैं इसको बोलूंगा कि लैंग्वेज अच्छी है, इसकी लैंग्वेज ध्यान से समझनी है, कहना क्या चाह रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 10 इयर्स, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 10 साल में 3130 है, 10 साल में, 10 इयर्स में बोल रहा है। अभी एक कंडीशन बोल रहा है, कह रहा है प्रिंसिपल को क्या किया 5 साल बाद ना 5 times कर दिया, मतलब कि 5 साल, देखो प्रिंसिपल था एक, तो 5 साल तक तो वो पी रहने दिया, लेकिन उसके बाद ये 5 साल तक पी रहने दिया, उसके 5 साल बाद क्या किया, अगले 5 साल के लिए क्योंकि 10 साल का एंड दे रखा है, इसको 5p कर दिया। तो आपको पता है अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट 10 साल की बात कर रहा हूँ इतना है, तो 5 साल में कितना होगा इसका हाफ, मतलब 5 साल में देखो सिंपल इंटरेस्ट है तो वो सिंपल चलता है, तो अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे 1565, तो ये मेरा 5 साल का आ गया। अब 5 साल में तो मुझे ये मिल जाएगा, इसने अब बोला कि भैया आपको बताना है कि कितना इंटरवर्ट विल बी द टोटल इंटरेस्ट इन ऑब्टेन आफ्टर 10 इयर्स, तो 5 साल का तो पता है, लेकिन 5 साल बाद एक क्या चीज हुई, प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया। अब पहले प्रिंसिपल पी था 5 गुना, तो ये जो अब आप एक चीज देखो, अब आपको 5 गुना मतलब जितना ये था इसका 5 गुना मिलेगा, तो 1565 × 5 गुना और मिल गया, क्योंकि अगर आप प्रिंसिपल को 5 टाइम कर रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट भी 5 टाइम होगा, ये तो आपको पता ही चल जाएगा। देखो कैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मैथमेटिकली बता देता हूँ, P × R × T/100, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ा, देखो ये पहली बात तो सेम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मैंने रेट भी वही रखा कॉन्स्टेंट कर दिया, मतलब रेट मेरा कॉन्स्टेंट, टाइम भी मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया और ये तो 100 था ही, तो मेरे को सीधा सीधा पता चल गया क्या, मेरे को पता चल गया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो
तो आपको पता चल गया कि जितना मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा उतना मैं पा, मतलब अगर मैं इसको 5 गुना करूंगा तो इसको भी 5 गुना करना पड़ेगा, या इसको 10 गुना करूंगा तो इसको भी 10 गुना, तो वो चीज। तो आपका आंसर कितना आएगा 5 साल में, शुरू के 5 साल में 1565 और बाद के 5 साल में 1565 इंटू 5, तो 1565 इंटू 6 हो गया, मतलब कॉमन ले लोगे तो 1+5, तो 1565 इंटू 6 आप करोगे तो 15 90 के आसपास आपका आंसर आएगा। तो ये आपका इधर 9390 इस तरीके से कर लिया करो। आगे चलो, अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यूज वगैरह पुट करने की कोशिश करोगे तो टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं है, और अगर आपको सिंपल तरीके से पता है कि इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है तो खत्म। अब देखो ये इसने दे रखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 11, देखो -13x अपॉन एक्स लिख ही देते हैं, 11-13y अपॉन वाई प्लस 11-13z अपॉन जेड इक्वल टू 5, आपको निकालना है 1/x। तो देखो एक बात, एक चीज देखो, 11 by x तो ये तो मेरा आ जाएगा, तो मैं अगर 11 by x प्लस 11 by y प्लस 11 by z लिख दूं और माइनस कॉमन लेके या -13 कॉमन लेके 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z लिख दूं, तो बात तो वही है ना। क्या बात है, मतलब आप एक चीज देखो कि अगर आपने यहाँ पे 11 by x और यहाँ पे भी आपने 11, यहाँ पे भी 11 by y और यहाँ पे 11 by z और यहाँ पे 13 और यहाँ पे देखो एक चीज 13x है ऊपर, तो ये x तो ये कट जाएगा सारा, तो यहाँ पे सिर्फ 13 बचा और यहाँ पे कितना था 5, तो यहाँ पे -13 × 3 हो गया। तो मतलब कि आपने इसको भी, इसमें भी 11 कॉमन ले लो, तो 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z, खत्म क्वेश्चन। कैसे देखो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो 5 + 39 = 44 और 11 का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 44/11 आपका 4 आंसर आना था। अब देखो ये तो तरीका था बहुत लंबे तरीके से करने का। अब देखो आप क्वेश्चन देख के कैसे कर सकते थे, क्वेश्चन देख के आप ऐसे कर सकते थे, आपने देखा 11 11 11, तो 11 तो आप देख ही लोगे कि 11 आएगा मेरा और जो मेरे को निकालना है, मतलब जो मेरे को निकालना है मान लो जो आंसर आएगा वो ऐसे आ गया। उसके बाद आपने देखा कि 13/x है, मतलब एक्स एक्स कट गया और 30 -13 -13 -13 इस तरीके से वाई से वाई, तो -39 आपका यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 5, तो आप सीधा कर सकते थे 44 आ जाएगा और 11 से, तो यहाँ पे आप सीधा 4 कर सकते थे, ठीक है। और ये आपका ट्रेडिशनली भी बता दिया मैंने खुल के, क्योंकि हर किसी का लेवल सेम नहीं होता, कईयों को ये चीज समझ में आएगी पूरा खुल के, बाद में धीरे धीरे दिमाग खुल जाता है तो फिर पता चल जाता है ये भी, लेकिन हर किसी का लेवल सेम नहीं होता, इसलिए मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है देखो, लेकिन आप एक चीज देखो यहाँ पे इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो हो सकता है कई लोग सोचेंगे पता नहीं क्या पूछ लिया, तो जैसे जिसने कभी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं करे उसको स्किप करना है और बाद में दोबारा आके ट्राई करना है, ठीक है। अब देखो जिसने देख रखा है उसको पता है कि 2x + 9x = 9, अब देखो आपको पता चल जाएगा ये एक्चुअल में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि 2x² + 9 = मैंने एलसीएम ले लिया और इधर जाके एक्स उधर चलेगा 9x, मतलब मेरा जो आएगी इक्वेशन वो 2x² - 9x + 9 = 0। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, दो वैल्यूज आएंगी x की, 2 वैल्यूज आएंगी, तो आपको पता है 9 × 2 = 18, तो 18 को 9 को इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करके 18 आ जाए, ठीक है। तो आपने लिखा -6 और -3 और वैल्यूज चेंज हो जाती है, दोनों नेगेटिव के थे इसलिए दोनों पॉजिटिव करती है और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं, तो ये आ गया। तो आपने देखा कि एक वैल्यू आई 3 और एक वैल्यू आई 3/2 ले लो, ठीक है पॉइंट में मत लो। तो आप मेरे को बताओ मिनिमम वैल्यू 3 पे आएगी या 3/2 पे आएगी, अगर आप 3 पे लेते हो ठीक है तो 9 तो यही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 के बाद कुछ भी प्लस करोगे 9 से तो बड़ी वैल्यू आएगी, क्या ये कोई सा भी ऑप्शन 9 से, मतलब ये तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो 3/2 निकालना है, तो बस एक्स स्क्वायर की जगह 3/2 मतलब 9/4 और इसका रेसिप्रोकल प्लस करोगे तो 4/9, तो आपने इसका एलसीएम ले लिया 36 और 81 प्लस 4 × 4 = 16, तो यहाँ पे आ गया 97/36, ऑप्शन में देखो कोई आ रहा है, हाँ ये रहा, ये आंसर है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आप समझ गए, इससे सिंपल मेथड हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, फिलहाल के लिए आप इतना समझो, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का जब करवाया जाएगा तो इतने धांसू तरीके से करवाया जाएगा
मतलब ये समझ लो कि आप एलजेब्रिक मैक्सिमा मिनिमा, ट्रिग्नोमेट्रिक मैक्सिमा मिनिमा और आपका ज्योमेट्री का मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सलरेशन का मैक्सिमा मिनिमा सब कवर कर देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है जब भी करेंगे। आगे चलते हैं, अब देखो लिख देता हूं मैं भी क्वेश्चन, 5x - y / 5x। देखो एलजेब्रा के क्वेश्चन का सबसे बढ़िया तरीका होता है समझना नहीं पड़ता, बस जो दे रखा है पता चल जाएगा। और निकालना क्या है, ये दे रखा है और निकालना क्या है, 4x² + y² - 4xy और 9x² + 16y² + 24xy। देखो अगर आप पहचान रहे हो कि ये गिवन क्या है, ये एक तरह से 2x - y का होल स्क्वायर गिवन है और नीचे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, इसको भी 4y का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करके चेक कर लूंगा तो नीचे भी मेरे को क्या दे रखा है 3x + 4y का होल स्क्वायर, मतलब मेरे से ये निकलवा रहा है। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन ये है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कई लोग कॉम्पोनेंट और डिविडेंड समझ नहीं पाते और अगर ऊपर नेगेटिव दे रखा होता तो नहीं कर पाते, तो मैं इसको कोई बात नहीं, मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ, 7/3 आ गया। तो आप देखो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा रहा हूं मैं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, ठीक है क्या होता है, अगर 5x / y लिख दूं मैं इसको तो इसका मतलब क्या है कि 7+, मतलब कि इसको क्या करूंगा, 7+3 और 7-3 मतलब कितना 10/4, तो ये 5/2 आ गया, तो 5 से 5 कट गया, तो x / y की वैल्यू 1:2 में आ गई। मान लो x की वैल्यू 1 ही है, y की वैल्यू 2 ही है, अब इसमें पुट करो तो इसमें जो आपका जो निकालना है, ठीक है, तो 2 × 1 - 2 का होल स्क्वायर। तो आपने यही देख लिया यार, ये तो ऊपर 0 आ रहा है, तो 0 upon something कुछ भी हो मुझे करना ही नहीं है, मेरा आंसर सीधा 0 मार्क कर दूंगा मैं, खत्म। ठीक है, इसमें क्या था, इसकी लर्निंग ये थी कि आपको पहली बात तो जो गिवन है उस तरीके से आपको देखना है कि कुछ ना कुछ कैच गिवन होगा 100%, आपसे इतनी कैलकुलेशन वो करवाना नहीं चाहता। ठीक है, और अगर आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर नहीं पता चल रहा ना तो इसको स्किप करो, दोबारा आके करो, ठीक है ना, ये स्किप वाली चीज जरूर करनी है, वरना आप पूरा का पूरा पेपर खराब कर लोगे। अगर आप 5 सेकंड 10 सेकंड किसी क्वेश्चन पे फंस रहे हो ना और आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो फटाफट छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे आओ भाई, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पहले सारे क्वेश्चन करो उसके बाद आओ इस तरीके के क्वेश्चन में जिसमें कुछ स्ट्राइक नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन देखो, वैल्यू से करना चाहते हो तो कुछ नहीं है, x1 y0 करते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू से करते ही, और आपका आंसर है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ 1, लेकिन मैं आपको वैल्यू से नहीं, मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से बताऊंगा कि क्योंकि वो भी बहुत सिंपल है। देखो गिवन क्या है, गिवन है x + y का होल स्क्वायर = x y + 1 और x³ - y³ = 1। तो आपको पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, x³ - y³ का क्या फॉर्मूला है, x - y × x² + y² + x - अगर यहां माइनस होते तो बाद में प्लस होता है, हाँ ये फॉर्मूला होता है, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, ये जो मैंने लिख दिया ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो क्या मेरे को जो फॉर्मूला है वो यूज होगा, हाँ होगा। देखो आपको ये तो 1 दे रखा है, तो मैं इसकी जगह जो मेरे को यहाँ पे 1 लिख दिया, मुझे ये निकालना है, तो अगर मुझे ये मिल जाए कहीं से तो बात बन जाएगी, मिल जाएगा कैसे, देखो गिवन से ही मिलता है हमेशा, इसको खोल रहा हूँ, x² + y² + 2xy = x y + 1। अगर मैं इधर भेज दूंगा तो x² + y² + xy की वैल्यू जो चाहिए थी 1 आ गई, तो इसका मतलब ये भी 1 आ गया, तो x - y ये 1 1, तो x - y की वैल्यू 1 आ गई, खत्म। ये ट्रेडिशनल वे था, ठीक है, वैल्यू से तो आप पकड़ ही लेते हो, लेकिन मैं इसलिए वैल्यू मना कर रहा हूं क्योंकि देखो एक्स और वाई 2 वेरिएबल है और आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं, तो 2 इक्वेशन 2 वैल्यू दे रखी है, तो आप वहां पे ना वैल्यूज अपना दिमाग कम लगाएं, वैल्यूज नहीं लगाएं, क्योंकि हो सकता है वो इस तरीके से आपको फंसा दे आगे क्वेश्चन में कि आपका आंसर मैच ही ना करें, तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, 2-3 ज्योमेट्री हम आपको करवा चुके हैं काफी हद तक, अभी हम क्वाड्रिलेटरल पे चल रहे हैं, तो ये चीज याद रखिए कि ये क्वेश्चन मैं पहले से करवा चुका हूं जब मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया था। क्वेश्चन समझ लो, इन द गिवन फिगर PQRS इज अ स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है, और SRT एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये 60 और ये पूरा भी 60,
ठीक है, मैं लिख नहीं रही वाला, ये भी साथ नीचे लिख देता हूँ। और इसने बोला कि एस ओ आर की वैल्यू, मतलब एस ओ आर ये निकालना है। तो अगर मेरे को ये 60, अगर मैं ये वाला आंसर ये वाला निकालूं, तो आप निकाल सकते हो भाई स्क्वायर में जो होता है ये पूरा 90 होता है, और जो डायगनल होता है ना वो इक्वल पार्ट में, वो आपका बाइसेक्ट भी करता है। तो ये 45, तो ये 45, ये 60, बचा कितना 75। आंसर खत्म, इतना सा क्वेश्चन था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, स्क्रीन स्क्रीन पे हो जाता बिना कॉपी पेन के। अगला क्वेश्चन, पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम बना लिया मैंने, सही बनाया, ए बी सी डी, ए बी की वैल्यू 7 है, सामने वाले की भी 7 हो जाएगी, गिवन आपको पता है, यहाँ पे 9 है, ये 9 है, ठीक है। ए सी की वैल्यू, मतलब यहाँ पे आपको ए सी की वैल्यू इसने 8 दे रखी है, तो दूसरे डायगनल की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये निकालनी है। देखो आपको जब मैंने पैरेललोग्राम बताया, मैंने एक जनरलाइजेशन बताई थी, क्या कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैं सारी साइडों का स्क्वायर कर देता हूं, मतलब कि मान लो ये a है और ये b है, तो ये भी b हो जाएगी और ये भी हो जाएगी, तो इन सबके स्क्वायर के इक्वल होता है, क्या मतलब a² + a² + b² + b² ये बताया था मैंने। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि SSC पूछता भी है, तो वही देख लो आपके सामने ये चीज जो बताई थी। अब d1 स्क्वायर मान लो आपको एक डायगनल दे रखा है और एक निकालना है, मान लो d1 स्क्वायर निकालना है, दूसरा आपको दे रखा है 8, तो 64 लिख दूं स्क्वायर, और a² मतलब 2a², मतलब एक a 7 है, तो दोनों 49 × 2 कर दूं, मतलब दोनों ये तो 2a² लिख सकते हो ना, तो a 7 है तो a² 49, और ऐसे ही 2b² लिख दो, तो b कितना है 9, तो 2 × 81, तो आपने देखा यहाँ पे कितना है 98 आया, और यहाँ पे 160, ये सही करा ना मैंने, हाँ 160, यहाँ पे 162, और ये 64 इधर ले दो, तो आप एक चीज देखोगे यहाँ पे कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो 196 आ रहा है d1² ठीक है, तो d की वैल्यू 14, रूट 196 का मतलब क्या होता है 14 का, था सिंपल था। लेकिन हाँ, अगर आपने ये वाला मेथड नहीं कर रखा तो उस केस में आपको पहले ये आपको यहां से आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, फिर आपको दूसरे वाले में लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा मेथड पड़ेगा। बाकी मैंने आपको पैरेललोग्राम जब पढ़ाया था तो मैंने आपको कॉन्ग्रेंसी से समझा दिया था कि किस तरीके से, एक एक चीज मैंने प्रूव करके दिखाई है आपको कि क्या होता है, किस क्या रीजन होता है, मैथमेटिकली प्रूव करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, ये करो खुद ही, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया कि कितने डायगनल है। जब मैंने आपको पॉलीगन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि डायगनल सीधा निकालने का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था, आपको करके दिखाया था कि आता कैसे है, कि n (n-3)/2 होता है, n मतलब कितने साइड है, तो ऑक्टागन का मतलब 8 है, तो 8 × 5, 8 में से 3 का 5 ना, / 2, 4 से कर दो 20 आंसर था, कुछ भी नहीं था, इसमें मैंने ऑप्शन भी नहीं दिए। अगला क्वेश्चन, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, ये अच्छा क्वेश्चन था, इन अ क्वार्टर सर्कल, मतलब एक क्वार्टर सर्कल है, पहले तो ये बना लो क्वार्टर सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से ये आपने क्वार्टर सर्कल बना लिया, मतलब ये क्वार्टर सर्कल बना लिया, ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना चल रहा है, बस मैंने क्वार्टर बनाया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि स्क्वायर इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है इस तरीके से, इन सच अ वे दैट टू ऑफ इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस ऑन द रेडियस आर इक्विडिस्टेंस, दो तो रेडियस पे हैं, एक यहाँ मान लो एक यहाँ मान लो, और इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये जितना डिस्टेंस है मान लो ए, तो ये भी ए है, तो ये स्क्वायर इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे है तो ऑब्वियसली बात है बच्चे भी यहाँ पर आएंगे, ये स्क्वायर है, ठीक है, इसने ये बोला ना, हाँ, एंड द अदर टू वर्टिसेस आर ऑन द सर्कमफेरेंस, मैंने बना दिए सर्कमफेरेंस पे थे, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब आपको ये दे रखा है एक साइड, सारी साइड बराबर होती है ना, √5/2, मतलब रूट में दोनों है, रूट के अंदर 5/2, तो रेडियस निकालनी है। देखो आप ये सॉल्यूशन देखो कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, देख रखा होगा वैसे आपने, कैसे निकालेंगे देखो, मैं इसका, अगर मेरे को पता है कि स्क्वायर है ये टर्म, ठीक है, और ये आपका √5/2 है, तो आप डायगनल निकालोगे, तो मैं डायगनल पहले तो ये चीज ऐसे कर दी, डायगनल निकाल लूं, और अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो ये मेरा एक्चुअल में इसको जिसको मैं डार्क कर रहा हूं यही निकालना है मुझे, तो ये कैसे निकालोगे। देखो एक साइड तो पाइथागोरस आप लगा दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, अब अगर एक चीज मैं जो बताना चाह रहा हूं वो देखो, अगर मैंने ये निकालना है पहले, तो ये क्या है एक्चुअल में, डायगनल ऑफ
स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपको पता होना चाहिए पहली बात कि अगर ये वन है, ये वन है और ये टू रूट टू यूनिट होती है, लेकिन एक्चुअल में ये वन नहीं है, ये रूट फाइव बाय टू है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, रूट फाइव बाय टू से मल्टीप्लाई, मतलब रूट टू को रूट फाइव बाय टू से मल्टीप्लाई, तो रूट टू से रूट टू, तो ये जो डिस्टेंस निकल कर आया है ये वाला, जिसको मैं दोबारा से अब ये वाला डार्क कर रहा हूं, तो रूट फाइव निकल कर आया बस। और दूसरी चीज, अगर यहां पे देखो, अभी ये इस वाले, ये इसका नाम दे देता, ये देखो यहां, इसको भी मैं ऐसे कर रहा हूं, या फिर इसका कलर चेंज कर लेते हैं, समझ लो ये वाला अच्छे से कि ये जो मैंने बनाया ये वाला, ठीक है। अब देखो ये ए है, ये ए है, अगर ये 90 है, ये ए है, तो ए है, तो ये 45-45 हो जाएंगे भाई, 45-45 हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल एंगल सब्सटेंड, इक्वल साइड सब्सटेंड, इक्वल एंगल, या फिर वाइस वर्सा, तो अगर ये ए, ये ए, तो मतलब वो वाला केस बन गया 45-45 वाला, 45-45, तो ये 1-1, ये रूट टू होता है। अब की बारी आपको रूट टू की वैल्यू, इसमें आप देखो ये भी रूट टू की वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट फाइव बाय टू, और आपको वन की वैल्यू निकालनी है, तो रूट फाइव अपॉन रूट टू इंटू वन बाय रूट टू, तो ये आ गया रूट फाइव अपॉन टू, तो ये वैल्यू, मतलब ये ए जो आ गया, लिख देता हूँ रूट फाइव अपॉन टू। तो बस आप पाइथागोरस लगा दो, एक साइड रूट फाइव है, एक साइड रूट फाइव बाय टू है, रेडियस इसको आर ले लो, आर निकालना है, तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर मतलब फाइव, और यहाँ पे इसका स्क्वायर फाइव बाय फोर, तो ये कितना आएगा 20, 25 बाय 4, तो ये स्क्वायर का था, और अगर रूट लेंगे तो रूट 25 बाय 4, तो 5/2 आंसर है, मतलब 2.5 आंसर है, दे रखा है, दे रखा है। क्वेश्चन समझ लेना, ये वाला दोबारा से रिप्लाई, उसको रिप्ले करके भी देख सकते हो आप, समझना बड़ा जरूरी है ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला, फिर से मैं बोलूंगा कि मैं वैल्यू से नहीं बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन, ट्रिक होगा, ठीक है। sec square theta plus tan square theta equals to 5 by 3, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक चीज आपको फॉर्मूला पता है कि 1 plus tan square theta equals to sec square theta होता है, ठीक है, या फिर हाँ ये लगा लो, या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो, तो जो गिवन है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 plus tan square theta, और tan square theta एक और गिवन है ही, equals to 5 by 3, तो ये आ गया 1 plus 2 tan square theta equals to 5 by 3, तो 1 इधर चला जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 क्या है, 2/3, तो 2 tan square theta, 2/3, 2 से 2 कट गया, तो tan theta कितना हो जाएगा, 1/√3, और tan के 1/√3 की वैल्यू मतलब क्या है, कि tan की टर्म में 1/√3 tan 30 पे होता है, तो आपको पता चल गया theta कितना है, theta है मेरा 30 डिग्री, और आपसे पूछा क्या है, tan 2 theta मतलब tan 2 into 30, तो tan 60 की वैल्यू पूछी है, तो tan 60 रूट 3 होता है, तो ऐसे करके मैं बता सकता था आपको, बाकी आप वैल्यू से पुट करके अप्लाई करके देखोगे तब भी सेम टाइम लगेगा, ठीक है, क्लियर है या नहीं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें टाइम का थोड़ा सा मैटर करता है, कौन कितनी जल्दी करता है, आप लोग पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने कितने सेकंड में किया, आंसर लिख के कमेंट सेक्शन में बताना, उसके बाद इसको दोबारा से प्ले करना पॉज के बाद। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अ टॉवर इज ब्रोकन एट द पॉइंट पी अबव द ग्राउंड, एक टॉवर है यहां पे बना ले, हाँ इधर बना लेते हैं, यहां से टूट गया, यहां से टूट के पी, अब ये टूट के गिरेगा कहीं ना कहीं, यहां ऐसे करके गिर गया, ठीक है, द टॉप ऑफ द टॉवर मतलब ये जो टॉवर टॉप यहां पर आ जाएगा गिरा हुआ, ये 60 डिग्री बना रहा है विद द ग्राउंड एट क्यू, मतलब क्यू है यहां पर, और ये 60 डिग्री बना रहा है एंगल फ्रॉम द अदर पॉइंट, एक और पॉइंट है आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू, मतलब इस साइड है यहां पे, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब पी यहां पर है कहीं पे, अब वो बोल रहा है कि ये इसको ऐसे ज्वाइन करो, ये 30 बना रहा है, ठीक है, इफ क्यू आर, यहां पे आर था ये, इसने बोला ये पूरा का पूरा कितना है 180, तो आपको हाइट निकालनी है, हाइट का मतलब एक तो ये और ये जो डॉटेड है ये, मतलब अगर मैं इसको बोल दूं एक्स और इसको बोल दूं वाई, तो आपको एक्स प्लस वाई निकालना है, तो एक चीज देखो, अगर ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया, 90 हो गया पूरा, तो मैंने आपको 90 30 60 मतलब सबने ही आपको पता ही है जो भी एसएससी के अच्छे
सीरियस एस्पिरेंट होते हैं या धीरे धीरे वो तैयारी शुरू कर देते हैं सीरियस होकर, तो उनको पता है 30, 60, 90 कितना इंपॉर्टेंट है। अगर 90 के सामने मेरा 180 है तो 30 के सामने 180 का हाफ मतलब ये 90 हो गया, और 60 के सामने इसी का √3 मतलब ये मतलब मेरा पी क्यू आ गया 90 और पी आर आ गया 90√3। और मेरे को यहाँ पे मान लो ये मैंने इसका नाम दे दिया एक्स, मेरे को पी एक्स निकालना है। तो मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में टूल्स बताए थे क्या कि अगर ये भी 90 है, देखो ये 90 होगा ना सीधा स्ट्रेट खड़ा होगा, ये 90 ये 90, और आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है मिडल वाली। मतलब अगर आपको पी एक्स निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ पी क्यू इंटू पी आर अपॉन क्यू आर, तो वही करूँगा 90 × 90/√3/180। तो आप इसको काटो तो ये आ गया 45√3, तो x की वैल्यू 45√3। तो आपसे x प्लस वाई पूछे तो 45√3 + 90 किस में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। देखो 45√3 + 90 फोर्थ, समझ गए। ये स्मार्ट मेथड से कर तो हर कोई लेगा, लेकिन लंबा तरीके से करेंगे और पता नहीं कितने लोग इसको वर्बली कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, देख लीजिए आप लोग। डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, उसके बाद आराम से इस तरीके से हो जाएगा बिना कुछ लिखे एक्स वैक्स वगैरह। अगला क्वेश्चन, इसको भी मैं वैल्यू से नहीं चेक करवाऊंगा क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री में सारे हर तरीके से आना चाहिए। अब देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 sin x + y/2 और cos x − y/2। तो अगर मैंने देखा इसको, देखा मैंने लिख दिया LHS में, मैंने क्वेश्चन देखा साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 sin, इसको इसको प्लस कर दूंगा, मतलब चाहे मैं इसको पहले ले लूँ इसको बाद में ले लूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, 6 θ/3 मतलब 3 θ। और अगर मैं उसके बाद इंटू कॉस दिस माइनस दिस कर दो या दिस माइनस दिस कर दो बात फर्क पड़ता नहीं है, 4 आएगा 4/2 करोगे तो 2 θ, साइन 3 θ हो गया, तो इससे ये कट गया, तो कॉस 2 θ की वैल्यू 1/2 आ गई। और कॉस की टर्म में 1/2 किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 60, तो थीटा की वैल्यू 60 आ गई। अब पूछा क्या है, यही हाँ कॉस 2 θ था, कॉस 2 θ की वैल्यू 60 आ गई, थीटा की वैल्यू 30, आपको पूछा क्या है थीटा ही पूछा हुआ है, 30 आंसर खत्म। अब हम डीआई पे आ रहे हैं, अच्छा डीआई था, टाइम कंज्यूमिंग डीआई था क्योंकि एक आध क्वेश्चन इसमें टाइम कंज्यूमिंग था। तो आपको एसएससी मैं बता चुका हूँ कि एसएससी कैलकुलेशन भी अच्छे लेवल पे पूछता है। पहले डीआई समझ लो गिवन क्या है, टेबल दे रखी है जिसके अंदर रेवेन्यू दे रखा है, टैक्स दे रखा है, एक्स वाई जेड करके कभी कंपनी है और 8 साल के लिए दे रखा है, कॉस्ट और रेवेन्यू 1000 में, मतलब ये एक्चुअल में 800 नहीं है 800,000, 600 नहीं है 600,000 है, ठीक है। अब बाकी सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, प्रॉफिट ये है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये है, टैक्स ऑन एनी ईयर ऐसे निकलेगा, ये सब कुछ दे रखा है। पहला क्वेश्चन, कितना टैक्स एक्स वाई जेड कंपनी ने दिया Y7 में, तो इस वाली लाइन पर देखना है, तो कितना टैक्स दिया भाई, रेवेन्यू टैक्स कितना दिया, आप देखो यहाँ पे देखो कि टैक्स होता है टैक्स रेट ऑफ दैट ईयर इनटू प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, मतलब 1600 में से 1240 गए, मैं 000 टेक केयर नहीं कर रहा क्योंकि 000 दोनों में ही लगेगा, रेवेन्यू में भी कॉस्ट में भी, तो बचेगा कितना यहाँ पे 360। अब ये 360 प्रॉफिट है, ठीक है ना, फॉर्मूला इन्होंने दे ही रखा है कि रेवेन्यू में से कॉस्ट, तो 360 प्रॉफिट है। अब इसने टैक्स पूछा, तो 360 पे टैक्स रेट लगाना है, टैक्स रेट कितना है Y7 में 33%, तो 33/100, तो मैंने देख लिया इसको सीधा सीधा 3 × 6 = 8, तो 8 आएगा लास्ट में ये वाला आंसर, ठीक है। 10 से क्योंकि 10 कट गया और एक पॉइंट भी आएगा, या तो ऐसे कर सकते थे तब भी, मतलब देखना आपने पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर ईयर Y2। देखो ये वाले क्वेश्चन ना Y2, Y6, Y8, मतलब मेरे को Y2 देखना है, Y6 देखना है और Y8 देखना है। देखो इनमें से क्या चीज प्रॉफिट के बारे में सही दे रखी है, तो प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, रेवेन्यू में से कॉस्ट गया, ठीक है ना। तो अगर मैं 1100 में से 850 माइनस करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, देखो 250 आ जाएगा,
प्रॉफिट मैं इस वाले की देख रहा हूँ, दूसरे वाले की देख रहा हूँ, 300 आ जाएगा, 1500 में से 1200 गए, मतलब 1500 से 1200 गए। और तीसरे वाले की अगर बात कर रहे हो तो ये कितना आ रहा है, 450 आ जाएगा। तो एक्चुअल में आपको दे रखा है Y8 का सबसे ज्यादा आएगा, और उसके बाद Y6 का, और उसके बाद Y2 का। तो ये Y8, Y6, Y2 कहीं दे रखा है। हाँ, थर्ड ऑप्शन आंसर है। ओके, खत्म। अगला क्वेश्चन, कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू है? देखो, तीन की तो आपने निकाल ली थी, इन तीनों की तो निकाल ली थी, Y2 इन सब की, लेकिन अलग अलग इसने बोला प्रॉफिट की कितनी अलग अलग वैल्यू आएगी। तो एक्चुअल में आपसे बोल रहा है इन सबको माइनस करके लिखो। तो मैं पहले की लिख रहा हूँ, 800 में से 600 गए 200, 1100 में से 850 गए 250, 1200 में से 900 गए 300, उसके बाद 1200 में से 950 गए 250, उसके बाद 1350 में से 1050 गए 300, उसके बाद भी 300, और 600 में से 1240 गए 360, उसके बाद 1850 में से 450। तो कितनी अलग अलग वैल्यू है। देखो, 200 वाले को मैं ऐसे काट रहा हूँ, 200 का एक मिला, बस एक ही मिला। 250 वाले को ऐसे कर दो स्क्वायर में, 250 वाले दो मिले। 300 वाले गोले में डाल दो, एक दो तीन। तो तीन डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब 200 के एक हैं, 300 के दो हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 250 के, मतलब तीन तो ही आ गई, और उसके बाद चार और पांच। तो पांच डिस्टिंक्ट वैल्यू है अलग अलग। डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब कितनी कितनी वैल्यू, अलग अलग वैल्यू है। ये लास्ट क्वेश्चन जो था ना, इसमें थोड़ी सी आपसे कैलकुलेशन पूछी हुई थी, और ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो मैं बोलूंगा कि अगर आप सब कुछ कर चुके हो तो उसके बाद ही ये क्वेश्चन करें, ठीक है? और उसके बाद भी इसको और स्मार्ट तरीके से लास्ट में कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। देखो, ये जो जितनी भी वैल्यूज आपने निकाली है ना, ये तो आपने जो निकाली वो तो रखनी रखनी पड़ेगी। मतलब मैंने क्या क्या लिखा, मैं लिख देता हूँ, 200, 250, 300, 250, 300, 360, 450, ये तो आपको लिखनी लिखनी थी, क्योंकि ये तो यूज होगी होगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ये तो प्रॉफिट था लेकिन टैक्स के बाद। देखो, पहली बात तो ऑप्शन बड़े क्लोज क्लोज है, ये देखो, मतलब अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से करूंगा तब भी फंस जाऊंगा, तो मेरे को लगभग निकालना ही पड़ेगा। तो आप एक चीज देखो, इसने बोला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला ये है कि आपने पहले प्रॉफिट निकाला, उसके बाद टैक्स माइनस करना है। अब टैक्स कैसे निकलेगा, टैक्स ऐसे निकलेगा कि कितना रेट है और उसको प्रॉफिट। तो एक्चुअल में अगर मैं एक की एक समझा रहा हूं आपको, 200 मतलब यहां पे जो वैल्यू आपको एक्चुअल में निकालनी है, क्या निकालनी है कि 200 तो प्रॉफिट तो है ही, माइनस टैक्स। तो टैक्स क्या है, टैक्स है उस परसेंट में, मतलब 20% ऑफ 200 ही आएगा, मतलब जितना आपका प्रॉफिट था। तो एक्चुअल में आपको वो बोल रहा है कि इसका 80% निकालो, तो 80/100, तो आपसे वो बोल रहा है 160। सिमिलरली अब इसका अगले वाले का बोल रहा है आपका 78% निकालो, उसके बाद अगले वाले का बोल रहा है, देखो माइनस करके मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद अगले वाले का भी बोल रहा है 78% निकालो, उसके अगले वाले को बोल रहा है 75% निकालो, फिर 70% निकालो, सॉरी कहाँ चला गया ये, और 75 के बाद यहाँ तक पहुंच गए थे ना, यहाँ पर है 70। तो इसमें भी बोल रहा है कि सीधा सीधा 70% निकालो, इसका भी 70% निकालो, और इसका 67% निकालो, और इसका 15% और 85% निकालो। तो आप एक चीज देखो, ये जितने भी 70 और ये 70, ये आपके लगभग, ये तो सारे मेरे यहाँ पे, मेरे को देखना है कौन सा 250 वाला, हाँ 25% करना है। तो ये कितना वैल्यू आएगी, वैल्यू देखो आप उसकी निकाल के हम अगर करते हैं, तो आप एक चीज देखो कि ये तो मेरी एक होल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अगर मैं इसका आंसर भी निकालता हूँ तो मैं सीधा सीधा निकालूंगा कि 160 ये निकाल ही दिया था, अगले वाले का आपका आंसर आएगा 195, फिर 234, इस तरीके से आप निकाल लोगे, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज कि अगर मैं इसको और ऑप्टिमाइज करूं, तो मैं एक चीज देखूंगा कि इसका अगर मैं निकालू ना, तो लास्ट में पॉइंट, मतलब 0.5 के आसपास आएगा, लास्ट में 0.5 मिला यहां से, बाकी मैं निकालूंगा ही नहीं। दूसरा मैं अब सीधा यहां देखूंगा 360 इसकी बात कर रहा हूं, तो 76 इसमें 0.2 आएगा, ठीक है? और इसमें फिर से देखो 55, तो यहां पे 0.5, तो मतलब 0.55 ये तो कट जाएगा, लास्ट में 0.2 आंसर आएगा। तो मेरे को पता चला यहां पे भी यार 2 है, ठीक है? तो आपको इसमें मेरे हिसाब से आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा
क्योंकि मैंने भी ये करके देखा था पहले, तो इसमें देखा कि दो लास्ट में मतलब और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी तो 0.2 तक मैं पहुंच गया, लेकिन उसके बाद देखा यहाँ। अब इसमें क्या है कि यार इसको कैलकुलेट कर ही लो, जैसे आपने 160 195 तो आपके आराम से यार इसमें मैं आपको बताऊं 1.5 मिनट जाएंगे ठीक है। तो इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि इतनी जल्दी कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। और क्वेश्चन खत्म है और बस आपकी आज की क्लास ओवर होती है। और ये मेरी ईमेल आईडी है, और अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कीजिए, वर्बल मैथ _अभास। और इसका चैनल में मतलब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का और फेसबुक ग्रुप का, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में आपको क्विज भी मिलती है वहाँ पर। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है। थैंक यू सो मच।